हे गाइस, वेलकम बैक टू द होमस्टे। जहाजों और नाव दो सबसे पुराने प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन हैं और पहली बार हजारों साल पहले बनाए गए थे। न केवल पूरे इतिहास में परिवहन के लिए जहाजों और नावों का उपयोग किया गया है, उनका उपयोग कई अन्य कारणों से भी किया जाता है, जिसमें कार्गो है, मछली पकड़ना है, आर्म फोर्सेस है और खेल है, अवकाश है। अवकाश से तो एक प्रकार की रक्षा ही शामिल हो गई। आज जहाजों और नौकाओं को एडवांस टेक्नोलॉजी और मटेरियल का उपयोग करके बनाया गया है, जो शायद ही किसी ने इतिहास में उपयोग में लिए होंगे, शिप को बनाने के लिए या फिर बोट को बनाने के लिए। चलिए जानते हैं शिप के इन्वेंशन के बारे में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टे। यहाँ पे पिनपॉइंट करने का कोई वास्तविक तरीका नहीं है कि पहले जहाज या नाव का उपयोग करने का कॉन्सेप्ट और आविष्कार किसने किया था, लेकिन मोस्ट ऑफ इतिहासकार इस बात से सहमत है कि इजिप्शियन यानी कि मिस्र के लोगों ने लंबी दूरी के व्यापार, यात्रा और एक्सप्लोरेशन में जहाज का निर्माण और नियमित रूप से उपयोग करने वाली पहली संस्कृति थी। जबकि यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि पहले जहाज का आविष्कार किसने किया था, लेकिन इतिहासकारों और इसके बारे में जानने वाले कहते हैं कि पहले जहाज का नाम प्राइस ऑफ द टू लैंड था। प्राइस ऑफ द टू लैंड एक ऐसा मिस्र का बड़ा जहाज था जिसे देवदार की लकड़ियों से बना गया था लगभग 2600 ईसा पूर्व में। अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी स्टीम बोट की बात करें तो जॉन फिंच नाम के एक अमरीकी आविष्कारक, एंटरप्रेन्योर और इंजीनियर थे। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले स्टीम बोट सेवा संचालित करने के लिए सबसे प्रसिद्ध थे। 1785 वार्मिंगस्टन पेंसिल्वेनिया, जहां उन्होंने भाप से चलने वाली नाव के लिए अपने आइडिया पर काम करना शुरू किया। लेकिन कोई भी आइडिया को क्रिएट करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प की तो जरूर पड़ती है। जॉन फिंच ने कॉन्टिनेंटल कांग्रेस से धन जुटाने में असमर्थ रहे। उन्होंने विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं को अपनी इनलैंड वाटरवेज पर स्टीम बोट यातायात के लिए 14 साल के एकाधिकार देने के लिए राजी किया। इन अधिकारों के साथ वह फिलाडेल्फिया में रहने वाले व्यवसायियों और पेशेवर नागरिकों से धन प्राप्त करने में सक्षम रहे। संवैधानिक कन्वेंशन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 22 अगस्त 1787 को डेलावेयर नदी पर उनके स्टीम बोट पावरेंस का पहला सफल ट्रायल रन बनाया गया था। अगले कुछ वर्षों के दौरान जॉन फिंच ने और वाइगट ने बेहतरीन डिजाइन विकसित करने के लिए काम किया और जून 1790 में एक 18 मीटर की नाव को स्टीम इंजन के द्वारा संचालित किया गया, जिसमें कई स्टर्न माउंट ओर्स चलाए गए। ये ओर्स एक तरह के तैरते बत्तख के पैरों की गति के समान थे, जिसके अनुमानित स्पीड अच्छी परिस्थितियों में मिनिमम 9.65 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और मैक्सिमम 11 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। और इसी के साथ ही समय बीतता गया और फिर बोट में से बड़ी शिप बनी, योट बने, हावरक्राफ्ट और स्पीड बोट जैसे वाटर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल बनाए गए, जो काफी बेहतरीन और पॉपुलर वाटर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में से एक थे। शिप के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अरबपति टाइटैनिक की रिप्लिकेट बनाने की योजना बना रहे हैं, जिसे टाइटैनिक 2 कहा जाएगा। टाइटैनिक शिप जो उसके टाइम का सबसे बड़ा यात्री जहाज था, जो आज के समय के आधुनिक क्रूज जहाज को मुश्किल से आधा साइज होगा। ब्लू रिबांड एक ऐसा अवार्ड है जो एटलांटिक महासागर को सबसे तेजी से पार करने वाले जहाज को दिया जाता है। रॉयल कैरेबियन का सिम्फनी ऑफ द सीज अब तक का सबसे एक्सपेंसिव शिप है, जिसे 135 करोड़ में बनाया गया है। कुछ जहाज तो इतने बड़े होते हैं कि जहाज को सिर्फ चलाने वाले क्रू मेंबर ही 2000 से अधिक होते हैं। दुनिया में 2000 से अधिक बंदरगाह है जो क्रूज जहाजों से देखे जा सकते हैं। पोर्ट ऑफ मियामी दुनिया का सबसे व्यस्त होमपोर्ट माना जाता है। लगभग सभी जहाजों में शरारती होने वाले किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए ऑनबोर्ड जेल होती है।
असामान्य रूप से हिटलर ने क्रूज इंडस्ट्री को बचाया हो सकता है। यह इंडस्ट्री 1930 के दशक में संघर्ष कर रहा था और हिटलर ने सभी जर्मन वर्कर्स को समुद्र में रियायती छुट्टी मनाने की पेशकश की। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि टाइटैनिक 2 बनेगा? अगर टाइटैनिक 2 बनता है तो क्या आप उसमें ट्रैवल करना चाहेंगे? मुझे बताना ऊपर दिए गए पोल में और नीचे कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, ऑनेस्ट बने और नियमों का पालन करें।